मुझे प्रभु प्रभु संबोधित करता हुआ हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा, परंतु प्रवेश केवल वो पाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। इसलिए हर एक की तुलना जो मेरी इन शिक्षाओं को सुनकर उनका पालन करता है उस बुद्धिमान व्यक्ति से की जा सकती है जिसने अपने भवन का निर्माण चट्टान पर किया। आंधी उठी, वर्षा हुई, बाढ़ आई और उस भवन पर थपेड़े पड़े, फिर भी वो भवन स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। इसके विपरीत हर एक जो मेरी इन शिक्षाओं को सुनता तो है किंतु उनका पालन नहीं करता, वो उस निर्बुद्धि के समान होगा जिसने अपने भवन का निर्माण रेत पर किया। आंधी उठी, वर्षा हुई, बाढ़ आई, उस भवन पर थपेड़े पड़े और वो धराशाही हो गया। भयावह था उसका विनाश।